Okay, students. So I am back with my subject. Today's video subject is English subject. Okay. So let's start. So in English, our chapter number 1 is Why Meena Could Not Sleep. Yes, students. Why Meena Could Not Sleep. So students, this is a small story of the girl named Meena. Of the title, you know that why Meena could not sleep. That Meena could not sleep. In this story, one secret is there. And one thing is there. That's why could not sleep Meena. That's why Meena could not sleep. So let's see what's that in the story. Let's start the story. All the students, open your Canopy textbook, English subject. Our lesson number 1, Why Meena Could Not Sleep. It is on page number 1. So students, I'm reading line by line. Just pay attention in your book and keep watching video. One night, Meena could not sleep. Yani ki, एक रात को मीना सो नहीं पा रही थी. She sat up in bed and looked out of the window. वो खड़ी होकर अपने बेड पर बैठ गई और विंडो यानी कि बारी से बाहर देखने लग गई. अपनी विंडो से बाहर देखने लग गई. She could see the moon. उसको विंडो में से क्या दिखाई दे रहा था? Moon. वो विंडो में से क्या देख रही थी? वो विंडो में से मून को देख रही थी. It looked like the moon was laughing at her. उसे क्या लग रहा था कि जो मून है वो उस पे हंस रहा है. Look all the students. हम यहाँ पे कुछ word meanings लिखेंगे. So here our first word meaning is the moon was laughing at her. As I explained, students, it looked like the moon was laughing at her. That meaning is Meena thought that the moon was laughing at her. जब उसने अपनी विंडो से बाहर मून को देखा तब उसे ऐसा लगा कि जो मून है वो उसे देखकर हंस रहा है. Laughing means हंसना. Let's move to the next. Don't look at me like that, moon, she said. मून को उसने क्या बोला कि मुझे ऐसे मत देखो. You don't know what really happened today because it was in the morning. उसने मून को क्या बोला? उसने मून को ऐसा बोला कि तुम्हें आज जो हुआ वो पता नहीं है क्योंकि आज जो हुआ वो सुबह हुआ था. सुबह हुआ था, that means कि मून कब आता है? रात को, night में. और उसके साथ जो हुआ वो हुआ था morning में. इसलिए उसने ऐसा कहा कि मून को कुछ भी पता नहीं है.
बैक टू स्लीप। मीना ने अब सोने की कोशिश की। वो अपने बेड पे वापस चली गई और उसने सोने की कोशिश की। द क्लॉक रैन टिक टॉक टिक टॉक। अब उसके रूम में एक क्लॉक थी, वो टिक टॉक करके बजने लग गई। मीना थॉट द क्लॉक वॉज सेइंग आई नो मीना को क्या लगा कि वो क्लॉक क्या बोल रही है? आई नो यानी कि मुझे पता है, मुझे पता है। सो स्टूडेंट्स, अब उसे क्या पता है? फॉर दैट लेट्स टर्न टू द पेज, पेज नंबर 2। ओके, हियर वन पिक्चर इज ऑल्सो देयर। नो यू डोंट नो, मीना से मीना ने क्लॉक को क्या बोला? नो यू डोंट नो, दैट मीन्स नहीं तुम्हें पता नहीं है। यू वेर हियर इन माई रूम, तुम तो मेरे रूम में हो। क्लॉक कहाँ है? मीना के रूम में। यू वेर नॉट इन द किचन डाउन स्टेयर्स, तुम नीचे किचन में नहीं हो। डाउन स्टेयर्स यानी कि तुम नीचे किचन में नहीं हो। सो हियर आवर सेकेंड वन मीनिंग इज देयर। There came the soft sound of
Kitty jumped onto the bed and kissed Meena's cheek. Students, Kitty जो यहाँ पे है वो cat है, एक small cat है. So small cat Kitty आई, उसने jump किया bed पे और Meena के जो cheek है उस पे kiss किया. Yes, you do know Kitty, said Meena. Meena ने अब क्या बोला? Yes, Kitty, तुम्हें पता है क्या हुआ था. She started crying softly. अब जो Meena है वो धीरे धीरे softly रोने लग गई. She wanted to see her mother. So she ran to mother's room. अब उसे उसकी मम्मा को देखना था, उससे उसकी मम्मा से मिलना था. सो क्या हुआ? वो दौड़ के उसकी मम्मा के रूम में चली गई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3. आई एम सॉरी मां, Meena ने क्या बोला? आई एम सॉरी मां. वो सॉरी बोल रही थी उसकी मम्मा को. I was very naughty today. मैंने आज बहुत मस्ती की. She said. She who? Meena. Meena ने क्या बोला? I'm sorry, mama. मैंने आज बहुत मस्ती की. I ate up the cake that was on plate. जो प्लेट पे केक था वो मैंने खा लिया. यानी कि जो प्लेट पे इसकी मम्मी ने केक रखा था वो Meena ने खा लिया. एंड देन आई शॉट किटी इन द किचन टू मेक यू थिंक दैट शी डिड इट. और उसके बाद केक खाने के बाद मैंने क्या किया? मैंने किचन में किटी यानी कि मेरी कैट को लॉक कर दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि वो केक जो है वो मैंने नहीं किटी ने खाया है. Meena ने क्या किया था? Meena ने जो प्लेट में केक रखा था वो खा लिया था. और उसकी जो कैट है किटी को बंद कर दिया था किचन में ताकि उसकी मॉम को ऐसा लगे कि जो केक है वो किटी ने खाया है. हियर आवर फोर्थ वर्ड मीनिंग इज शट. Meena ने क्या बोला? पर माँ, आपको कैसे पता चला? How did you know it wasn't Kitty? तुम्हें कैसे पता चला कि वो केक मैंने खाया है, वो केक किटी ने नहीं खाया? Because Kitty would never leave a spoon on plate, replied. पर अगर किटी वो केक खाती तो किटी प्लेट पे स्पून नहीं छोड़ती. यस स्टूडेंट, जब एनिमल्स कोई भी खाना खाते हैं सो वो डायरेक्टली अपने माउथ से खाते हैं, वो स्पून से नहीं खाते हैं. ओनली द ह्यूमंस आर ईटिंग विद द स्पून. तो उसकी मदर को पता चल गया कि अगर किटी ने खाया होता तो किटी ने वहां पे स्पून नहीं छोड़ा होता. सो ये केक किसने खाया है? Meena ने. मदर स्माइलिंग, ये बोल के उसकी मदर स्माइल करने लग गई. सो स्टूडेंट्स, हियर आवर लेसन नंबर 1 कंप्लीटेड. व्हाई Meena कुड नॉट स्लीप. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन व्हाट यू हैव लर्न? यस, डोंट लाई विथ योर पेरेंट्स इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग. सो इट विल ट्रबल यू. कभी ना कभी आपको वो बात आपके मदर और फादर को बतानी ही पड़ेगी. इससे बेटर है कि आपने जब मिस्टेक की
बता दे, आप उन्हें झूठ ना बोले। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर ऑन वर्ड्स आई एम एंडिंग माय वीडियो। सो ऑल द स्टूडेंट्स रिफर दिस वीडियो, वी विल प्रोवाइड यू होमवर्क इन आवर ग्रुप। वी विल मीट इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर योर फर्दर डाउट्स एंड क्वेरीज।